नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले फरसान के दुकान में मिलने वाले हलवा स्टाइल मूंग दाल की कचौरी। देख रहे हो ना रिजल्ट, आप कितनी फुली फुली और खाने में इतनी खस्ती कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक टिप्स बताई दोस्तों, वो टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपकी जो कचौरी है एकदम खस्ती बनेगी और थोड़ा भी ऑयल पिएगा नहीं और टम टम गुब्बारे के जैसे फूलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी आपको हमारी आखिरी तक देखनी है और कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक कप जितना मैदा लेना है और मैदा छान कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले ही छान के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी यहाँ पे हम मोयन के लिए 3 चम्मच जितना घी डालना है। हाँ दोस्तों, घी को गरम कर लेना है। अभी इसे चमचे से अच्छी तरह से चला लेते हैं क्योंकि घी गरम है ना, इसलिए अभी चमचे से चला लिया। अभी हाथों से चला लेना है, एकदम इजीली लड्डू बन जाते हैं हाथों की मुट्ठी इस तरीके से। तो समझ में आता है कि हमारा जो मोयन हमने परफेक्ट डाला है, 1 कप के लिए 3 चम्मच घी परफेक्ट है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने सॉफ्ट सा डो बना लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं सेट होने के लिए, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1/2 कप मूंग दाल ली थी और इसे 2 घंटा पानी में भिगो के रखी थी मैंने। ये अच्छी तरह से भिगो कर हो चुकी है और जो फुली फुली भी हो गई है। अभी इसे पानी पूरा निथार लेना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे मिक्सर का बर्तन ले लेते हैं और जो हमने पानी निथारा था मूंग दाल वो डाल देना है सारा ही। अभी इसके साथ हमने 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ डाल देनी यानी कि वरियाली। अभी इसे हमें दरदरा पीस लेना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें पानी की यूज करना नहीं है, यदि पानी का यूज करने जाओगे तो पेस्ट बन जाएगी, तो पानी थोड़ा भी यहाँ पे डालना नहीं। अभी आपको बोला पानी क्यों नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल को अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रखी थी। वो अच्छी तरह से भिगो कर हो जो उसमें थोड़ा पानी होता है, अच्छी तरह से दरदरा पीस कर हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, ये थोड़ी दाल भी रखनी है तभी अच्छी लगेगी कचौरी खाने में, ज्यादा महीन पीस लोगे तो मजा आएगी नहीं। अभी यहाँ पे पैन लिया हुआ है तो 1 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। 1/2 चम्मच जीरा डाल देते, 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धना जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। हाँ दोस्तों, ये कम तीखी होती है, कलर अच्छा आता है और कलर वाली मिर्ची मैंने यूज किया हुआ है। 2 चुटकी शक्कर डाल गई थोड़ा चटपटा स्वाद आने के लिए। अभी मसालों को अच्छी तरह से हमें चला लेना है 1 मिनट के लिए। हाँ दोस्तों, गैस की फ्लेम धीमी रखनी, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। फास्ट गैस रख लोगे ना इस तरीके से, तो इसे चला लेना 1 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए चला लिया, मसाला हमारा कुक हो चुका है। अभी जो हमने पीसा था मूंग दाल वो सारा इसमें डाल देते हैं। हमारी रेसिपी आपको ये कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। अभी इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी दाल कुक हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमने डालना है नमक, लास्ट में नमक डालना है दोस्तों, पहले नमक नहीं डालना है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते और इसी के साथ ही हमने डालनी है 1/2 कप जितनी सेव डाल देनी है। हाँ दोस्तों, सेव कौन सी भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने घर की सेव ली है क्योंकि घर में थी इसलिए। यदि आपके यहाँ पे सेव नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है भुना हुआ बेसन आटा डाल देना है तो उससे भी अच्छी तरह से कचौरी बन जाती है। घर में नहीं होती ना सेव तभी यूज करना है बेसन का आटा, नहीं तो फिर सेव डालोगे तो और अच्छा बनेगी कचौरी हमारी। अभी इसे धीमी आंच पे और अच्छी से कुक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग मूंग दाल की बनकर तैयार हो गई है। अभी बहुत ही गर्म है तो हमें स्टफिंग को पूरी तरीके से ठंडा होने को रख देना है, तब तक हम डो चेक कर लेते हैं। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है। अभी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1/2 चम्मच जितना और डो को हमें अच्छी तरह से मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। अभी यहाँ पे डो को अच्छी तरह से मसल लिया है, डो को चिकना भी कर लिया है इस तरीके से। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको छोटी मोटी कचौरी बनानी हो तो साइज आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हो। हम लोग मीडियम साइज की कचौरी बनाएंगे, ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा छोटी भी नहीं। तो इसी तरह से छारे लुए हम बना लेते हैं। अभी सारे लुए हमने तोड़ लिए, अभी सारे इसे साइड में कर लेती हूँ और 1 लुई ले लेते हूँ और अच्छी तरह से हाथों से पैसे मसल लेना है।
अंदर से बाहर से चिकना कर लेना है, यानी दरदरा थोड़ा भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह से मसल लिया और पेड़े के जैसे मैंने शेप दे दिया गोल गोल। अभी हल्के हल्के हाथों से बेलन से बेल लेना है। हाँ दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। कभी भी कचौरी बनाते समय थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है, पतला बेलना नहीं है। यदि आप पतला बेलने जाओगे तो कचौरी हमारी फूलेगी नहीं, तो एकदम फ्लैट हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने मोटा सा बेल लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लेंगे ये सारन स्टफिंग ले लेते हैं और इसे गोल शेप में पेड़े के जैसे लड्डू के जैसे शेप दे देते हैं। अभी इसे हमें इसमें भर लेना है। अभी दोनों हाथों के सहायता से हमें इसे स्टफिंग को कवर कर लेना है इस तरीके से। अभी दोनों हाथों लेना है और इसे हमें ऐसे से गोल गोल करते जाना है, यानी जब हम फ्राई करेंगे स्टफिंग तो ये खुले ना, इजीली बंद हो जाएगी और अच्छी तरह से फूलेगी और एक्स्ट्रा डो होगा वो निकाल लेना है हमें इस तरीके से। और इसे हल्के हाथों से इसे दबा लेना है इस तरीके से, देख रहे हो। एकदम स्टफिंग खुले ना, इस बात का आपने ध्यान देना है। ये मेन प्रोसेस होती है दोस्तों। अभी इसे हल्के से हम बेलेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से बेलना है, बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा बेलना नहीं, क्योंकि बड़े फूल के एकदम गुब्बारे जैसे हो जाती है। तो बाकी की सारी कचौरी हम ऐसे ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हाँ दोस्तों, कचौरी फ्राई करते समय हमें गैस की फ्लेम धीमी रखनी है और ज़्यादा गर्म ऑयल करना नहीं। यदि ज़्यादा गर्म ऑयल करने जाओगे फिर हमारी जो कचौरी फूलेगी नहीं, कलर तो आ जाएगा, फिर कच्चा रहेगा अंदर से। तो धीमी आँच पे इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब एक एक कचौरी हमें इसे डालते जाना है और जैसे हमने डाल दिया वैसे इसे तुरंत टच करना नहीं है, थोड़े टाइम के बाद टच करके अपने आप ऊपर आ जाएगी फूली फूली। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटी कढ़ाई थी ना, इसलिए मैंने चार ही डाली है। आपके पास बड़ी कढ़ाई होगी तो ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हो। अभी इसे टच नहीं करना, ये अपने आप ऊपर आने के बाद हम इसे टच करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी टच कर गई, ये अपने आप ऊपर आ गई है दोस्तों। अभी हल्के हल्के हाथों से इसे दबा लेना है ऑयल के अंदर, ये फूल जाते हैं गुब्बारे के जैसे। ऑयल के अंदर इसे दबाना है एक एक कचौरी। जो बिगनर भी होगा ना दोस्तों, उनको भी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली डो अच्छी तरह से बनाना है और ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो अच्छी तरह से गर्म करना है, बस। इसी तरह से एक एक कचौरी से डुबाते रहना है, एकदम फुली फुली बन जाती है गुब्बारे की जैसे, और मुंह में जाती है पूरी एकदम खस्ती है दोस्तों और घुल जाएगी, देख रहे हो आप। अभी इसे एक एक करके हम पलटी कर लेते हैं कितनी फूल गई है, और धीमे आग पे इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है और एक एक करके इसे पलटी करना है। और गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रखनी है, फास्ट रखनी नहीं है, नहीं तो फास्ट करने जाओगे बाहर से तो कलर अच्छा आ जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, फिर बोलोगे गीता ने बताया नहीं। कुछ भी ऐसे कुछ करने हो तो पेशेंस करके ही हमें इसे काम करना है, तभी जो खाने की चीज़ एक नंबर बनती है। घाई गड़बड़ कर दोगे तो बनेगी तो अच्छी नहीं, और सब नाम रखे कैसे बनाया कैसे बनाया, ऐसा होता है। एकदम शांतिपूर्वक कुछ भी बनाना हो अच्छी तरह से। अभी आप देख सकते हो कचौरी हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और गोल्डन कलर एक नंबर आ गया हलवाई के जैसे ही। मैं आपको लेके बता देती हूँ, गुब्बारे के जैसे फूली फूली है और खस्ती भी कितनी है, देख लो इसकी जो पड़ बराबर पड़ रही है। धीरे धीरे करके इसे पलटी कर लेना है और सारी जगह से अच्छी तरह से एक जैसे फ्राई हो गई है। मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, मैं दो दो ही निकाल लेती हूँ, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने। जैसे मैंने ऑयल में से निकाला वैसे ही ऑयल थोड़ा भी रहा नहीं दोस्तों, देख रहे हो। बाकी की सारी कचौरी हम ऐसे ही सेम टू सेम फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दी मूंग दाल की हलवाई स्टाइल कचौरी, रिजल्ट आपके सामने है। कैसे गुब्बारे की जैसी फूली फूली है और इसकी जो पड़ भी आ गई है, देख रहे हो एकदम खस्ती कितनी है दोस्तों। मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख रहे हो एकदम ऊपर की पड़। अभी मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ, इजीली टूट रही है आवाज, एकदम खस्ती है, मुंह में जाती घुल जाएगी, रिजल्ट आपके सामने, देख रहे हो। तो आज की हमारी आपको रेसिपी कैसी लगती तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।